आइए बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ऊष्मा तथा ताप के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ का जो उद्देश्य है, इसमें हम विभिन्न प्रकार से अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, क्वथनांक गलनांक के बारे में जानेंगे और ऊष्मा का रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन से क्या संबंध है इसके बारे में हम सीखेंगे। आइए अब हम एक प्रयोग देखते हैं गैस में ऊष्मीय प्रसार से संबंधित। इसमें आप देख रहे हैं एक बोतल है और बोतल के मुंह में हमने क्या लगाया है, एक फुग्गा लगाया है। जैसे ही फुग्गे में आप हवा भरते हो तो फुग्गा फूलने लगता है, बैलून फूल जाता है। वैसा ही एक प्रयोग हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा से संबंधित यह प्रयोग है। दूसरे में हम देख रहे हैं कि एक टब है जिसमें कि गर्म पानी रखा हुआ है और वही बॉटल जिसमें कि बैलून लगा हुआ है, फुग्गा लगा हुआ है उसके मुंह पर, उस बॉटल को हम गर्म पानी वाले टब में रखते हैं। जैसे ही ऊष्मा प्राप्त होती है उस बैलून में, वह बैलून फूलने लगता है, फुग्गा फूल जाता है। तो यहाँ पर बोतल की गैस में प्रसार होता है, इस कारण से वह फुग्गा फूल जाता है। तो यहाँ हमने समझा गैस में ऊष्मीय प्रसार के बारे में। अब हम हवा में प्रसार से संबंधित एक क्रियाकलाप देखेंगे। इस क्रियाकलाप के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए वो देखिए। परख नली, एक छिद्र वाला कॉर्क जिसमें कि कांच की नली लगी हुई है, मतलब कॉर्क के अंदर छिद्र किया है और उसमें कांच की नली लगी हुई है, और गर्म करने के लिए साधन। गर्म करने के लिए आप मोमबत्ती भी ले सकते हैं और यदि आपके पास स्प्रिट लैम्प है वो भी आप ले सकते हैं। अब हम इस प्रयोग में कौन कौन सी चीज़ें हैं और एपरेटस को किस तरह से अरेंज करना है वो हम देख लेते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हमने एपरेटस को कैसे लगाया है। कांच की नली लगी कॉर्क को परख नली के मुंह में लगाकर नली के ऊपरी छोर पर एक रबड़ की नली लगाते हैं, यानी यहाँ पर जो कॉर्क लगा है उस कॉर्क में देखिए छिद्र किया है और उसमें कांच की नली लगी है और उस कांच की नली से एक रबड़ लगा हुआ है, रबड़ की नली लगी हुई है। इसे उलट कर पानी से भरे हुए बीकर में हमने रखा और इस प्रकार से रखते हैं कि रबड़ की नली का बाहर निकला हुआ सिरा पानी के अंदर डूबा रहे। अब हम इस एपरेटस को जमाने के बाद प्रयोग को प्रारंभ करते हैं। तो परख नली को गर्म करते हैं। परख नली को गर्म करते हैं तो परख नली की कुछ हवा बुलबुलों के रूप में पानी में से होकर निकलती है। आप देखिए हवा के बुलबुले निकल रहे हैं और जैसे ही हम परख नली को गर्म करना बंद कर देते हैं, ठंडी होने के कारण परख नली की हवा सिकुड़ती है और उसका स्थान लेने के लिए पानी ट्यूब में से होता हुआ परख नली के अंदर आने लगता है। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे हवा में प्रसार होता है। अब हम देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि ऊष्मा पाकर द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, वाष्प को ठंडा करते हैं तो वह वापस द्रव में परिवर्तित होता है और द्रव को ठंडा करते हैं तो वह फिर ठोस में परिवर्तित होता है। तो इसे समझने के लिए हम एक और छोटा सा प्रयोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रयोग में हमने क्या लिया है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया है, एक बीकर है, थर्मामीटर है तापमापी और बर्फ़ के टुकड़े, और गर्म करने के लिए साधन यहाँ पर बर्नर लिया गया है। आप यहाँ मोमबत्ती से भी प्रयोग को कर सकते हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि जब तक पूरा जो बर्फ़ है पूरी तरह से नहीं पिघल जाता है तब तक तापमान जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना हुआ है। तो हम इस प्रयोग में यह देख रहे हैं कि जब तक संपूर्ण बर्फ़ नहीं पिघल जाती है तब तक तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहता है, वहीं पर वह स्थिर रहता है। आप इसको अवलोकन सारणी में देखेंगे किस प्रकार यह प्रयोग होता है। आप इस प्रयोग को करके भी देखेंगे कि थर्मामीटर में उस टेम्परेचर को आप नोट करेंगे तो जब तक बर्फ़ पूरी तरह से नहीं पिघल जाती है तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहता है। ऊष्मा बर्फ़ के अवस्था में परिवर्तन हेतु व्यय हुई, क्योंकि बर्फ़ जो है वो परिवर्तित होता है, बर्फ़ जल में परिवर्तित होगा क्योंकि वह ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। ऊष्मा बर्फ़ के अंतरणुक आकर्षण बल को कमज़ोर करने में खर्च हुई, क्योंकि हमने ये देखा है कि द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होगा
ठोस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा। तो बर्फ चूंकि यहाँ ठोस रूप में है, जैसे ही वह ऊष्मा पाती है वह बर्फ जल में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर जो बर्फ के अंदर अंतराणु का आकर्षण बल है वह कमजोर होती है ऊष्मा को लेकर, और वही बर्फ जल में परिवर्तित होता है। इसे हम अवलोकन सारणी में कैसे लिखेंगे, आइए अब देखते हैं। इस अवलोकन सारणी में आप देखिए कि समय है पदार्थ की अवस्था है, और अभी जब समय 0 मिनट है और पदार्थ की अवस्था ठोस है तब भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब वह प्रयोग हम 1 मिनट बाद देखते हैं तब भी वह ठोस है, अभी भी बर्फ है, 2 मिनट बाद भी उसमें ठोस है, 3 मिनट बाद आप देखिएगा प्रयोग करके कि कितना उसमें बर्फ रहता है और कितना द्रव रहता है। तो बर्फ जब तक रहेगा तब तक वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, जब तक संपूर्ण बर्फ नहीं पिघल जाती है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्थिर रहता है। तो यह ऊष्मा जो है बर्फ की अवस्था में परिवर्तन होने हेतु व्यय हुई है। अब हम अवस्था परिवर्तन से संबंधित ही कौन कौन से और पद हैं छोटे छोटे वो हम सीखेंगे। सबसे पहला पद है गलनांक, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। गलनांक नाम से ही बच्चों स्पष्ट है, गलनांक यानी गलना। तो कोई भी ठोस पदार्थ जब एक निश्चित टेम्परेचर ग्रहण करेगा और उस निश्चित टेम्परेचर पर निश्चित ताप पर वह ठोस पदार्थ जब द्रव में परिवर्तित होगा तो उसे हम कहेंगे गलनांक। प्रत्येक ठोस पदार्थ का जो गलनांक है वह निश्चित होता है, प्रत्येक ठोस पदार्थ एक निश्चित गलनांक पर ही गलना प्रारंभ होता है। तो वह तापमान जहाँ पर कोई ठोस पदार्थ गलना प्रारंभ होगा उसे हम कहेंगे गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद हम देखेंगे हिमांक। हिमांक जैसे हिम यानी समझ में आता है कि हिम यानी बर्फ, आप उसको जनरल अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं, हिम यानी बर्फ। जब हम जल को ठंडा करते हैं तो वह बर्फ में परिवर्तित होता है, यानी ठंडा करते हैं, टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो द्रव एक निश्चित ताप पर ठोस रूप में परिवर्तित होता है और इस दौरान ऊष्मा निकालने पर भी उसका तापमान स्थिर रहता है। तो इसी टेम्परेचर को, इसी तापमान को उस पदार्थ का हम हिमांक कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसे समझ सकते हैं कि जिस तापमान पर, जिस निश्चित तापमान पर कोई भी द्रव जमना प्रारंभ होता है या किसी भी द्रव का हिमीकरण प्रारंभ होगा उसे हम कहेंगे हिमांक या फ्रीजिंग टेम्परेचर। अब हम गलनांक और हिमांक कुछ पदार्थों के देखकर समझते हैं कैसे प्रत्येक पदार्थ का गलनांक और हिमांक निश्चित होता है। तो किसी भी ठोस को उसके गलनांक पर ऊष्मा देने पर, ठोस पदार्थ को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित होता है, जबकि द्रव में से उसी तापमान पर उतनी ही ऊष्मा जब निकाल दी जाती है तो वही पदार्थ ठोस में परिवर्तित हो जाता है, वही द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी पदार्थ का गलनांक एवं हिमांक सदैव बराबर होता है। यहाँ हमने कुछ उदाहरण लिया हुआ है, जैसे आप देखिए पारा, पारा के लिए यहाँ पर जो गलनांक है, हिमांक है, वो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सोना 1063 डिग्री सेंटीग्रेड और सीसा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से गलनांक और हिमांक को हमने समझा कि किसी भी ठोस को उसके गलनांक पर ऊष्मा देने पर वह द्रव में परिवर्तित होगा, और द्रव से जब उतनी ही तापमान पर ऊष्मा निकाल ली जाएगी तो वही द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं अवस्था परिवर्तन से संबंधित। ये चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ओला का चित्र है। ओला, जब आपने देखा होगा कि बारिश के सीज़न में यहाँ पर ओले गिरते हैं, इस तरह का आपने बहुत बार अनुभव भी किया होगा। तो ओले गिरने के बाद आप देखते हैं कि एकदम से वायुमंडल ठंडा हो जाता है। कैसे ठंडा होता है, क्योंकि वायुमंडल का तापमान कम हो जाता है, क्योंकि ओले गिरने के लिए या ओले गिरने के बाद ओला पिघलने के लिए
वह ऊष्मा वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ओले अवस्था में यह ओला जो है वो ठोस अवस्था है जल का ही, तो ये हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ओला पिघलने लगता है। तो वो टेम्परेचर कहाँ से लेता है, तापमान कहाँ से लेगा, वायुमंडल से तापमान ग्रहण करेगा। और जो वायुमंडल से जब वो तापमान ग्रहण करेगा तो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो ठंडा हो जाता है। आप यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर ठंडे ठंडे शरबत का चित्र है, जिसमें हमने शरबत में क्या मिलाया है, बर्फ मिलाया है। आपको भी अच्छा लगता होगा जब आप गर्मी के दिनों में शरबत पीते हैं तो बर्फ़ डालकर पीते हैं, क्योंकि ठंडक महसूस होती है। तो यहाँ पर भी बर्फ अवस्था परिवर्तन के लिए शरबत से ऊष्मा ले लेता है, तो इसलिए ये ठंडा हो जाता है। आप देखेंगे कि भाप से जलना बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। जब हम गर्म पानी से जलना और भाप से जलना, तो भाप से जलने में बहुत ज़्यादा कष्ट अनुभव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खौलते समय जल को दी जाने वाली ऊष्मा भी भाप में शामिल हो जाती है। खौलते समय जब जल में ऊष्मा दी जाती है तो वो भी भाप में शामिल हो जाती है, इसलिए भाप से जलना ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है। ठीक है, अब हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्वथनांग के बारे में पढ़ेंगे। क्वथनांग भी एक ऐसा पद है जो कि अवस्था परिवर्तन से संबंधित है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तापमान किस तरह से परिवर्तित करता है अवस्था को। जैसे गलनांक हमने देखा, हिमांक देखा, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक या बॉइलिंग टेम्परेचर। तो वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलना प्रारंभ होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ जल उबल रहा है, जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जल जो है द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, और जिस तापमान पर वह द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रही है उसी तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक। अब हम कुछ विभिन्न पदार्थों के क्वथनांक देख लेते हैं। जैसे जल का मैंने बताया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, साथ ही साथ पारा 357 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ जस्ता है, जस्ता का 907 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो तांबा है 2336 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से विभिन्न पदार्थों के क्वथनांक का मान भी निश्चित होता है, अर्थात एक निश्चित तापमान पर ही कोई द्रव रूप गैस रूप में परिवर्तित होता है। अब हम संघनन को समझेंगे। हमने देखा कि कैसे वाष्प जब ठंडी होती है तो वो द्रव रूप में परिवर्तित होती है, तो वाष्प का ठंडा होना संघनन कहलाता है। तो निश्चित तापमान पर कोई भी वाष्प द्रव अवस्था में संघनित होता है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं संघनन बिंदु। अब यहाँ पर इस चित्र को आप देखिए कि बर्फ को जैसे ही गर्म करते हैं बर्फ परिवर्तित होता है जल में, तो बर्फ को गर्म करेंगे तो जल में परिवर्तित होता है ऊष्मा ग्रहण करके, फिर जल में और ज़्यादा ऊष्मा देते हैं तो जल किस में परिवर्तित हो गया, वाष्प में, जल वाष्प में या गैसीय अवस्था में चला गया। अब ये जल वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित होगा, और द्रव को जब हम और ठंडा करेंगे एक निश्चित हिमांक पर तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से आप विभिन्न अवस्था परिवर्तनों को इस छोटे से रेखा चित्र के द्वारा भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम ऊष्मा से रासायनिक परिवर्तन कैसे संबंधित है ये देखेंगे, यानी ऊष्मा के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन होता है और किस प्रकार से प्रभावित होता है रासायनिक क्रिया, ये हम देखेंगे कुछ उदाहरण के माध्यम से। ऊष्मा ग्रहण भी होती है किसी रासायनिक परिवर्तन में, और ऊष्मा बाहर भी निकलती है। किसी भी रासायनिक क्रिया में ऊष्मा ग्रहण भी हो सकती है और ऊष्मा बाहर भी निकल सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित होती है। तो किस प्रकार पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने से वो ऑक्सीजन में परिवर्तित होती है, अर्थात यहाँ भी ऊष्मा ग्रहण की जा रही है। आप कई बार घर में जब पोताई होता है तो चूना आता है घर में, उसमें आप पानी डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप बाहर से उसको पकड़ेंगे तो पानी डालने के बाद चूने में, तो वो गर्मी का एहसास होता है आपको। तो इसका मतलब है कि वहाँ भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उस अभिक्रिया में भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है।
यहाँ पर आप देखिए सोडियम, सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, जैसे ही उसको पानी के साथ क्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार से एक यहाँ देखिए आग उत्पन्न हो रहा है, मतलब ये चमक यानी यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है सोडियम, तो यहाँ भी सोडियम और जल क्रिया करने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरे उदाहरण में आप देखिए कि यहाँ पर लोहे का छीलन है और गंधक का चूर्ण है, तो लोहे का छीलन और गंधक के चूर्ण को यदि ऐसे ही रख देंगे बिना टेम्परेचर के, बिना तापमान के, तो उसमें कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उसको तापमान दिया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो वो दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं और आयरन सल्फाइड या लोहे का सल्फाइड बन जाता है। तो यहाँ भी ऊष्मा ग्रहण की जाती है लोहे की छीलन एवं गंधक की क्रिया में। अब हम ऊष्मा का जैविक परिवर्तन से क्या संबंध है ये देखेंगे कुछ उदाहरण के माध्यम से। आप देखते होंगे कि गर्मी के दिन में बहुत सारी चीज़ें जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, चाहे दूध हो, चाहे फल है, सब्जियां हैं, कोई भी हम खाना पका कर रख देते हैं तो भी वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि एक निश्चित तापमान के रेंज में, एक निश्चित तापमान के परास में जो जीवाणु हैं, जो छोटे जीव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं और भोजन को, दूध को ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे अवस्था में क्या करना चाहिए, बहुत बार दूध को गर्म करना चाहिए यदि उसे ख़राब होने से बचाना है तो लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यदि टेम्परेचर रखा जाए तो यहाँ पर जो जीवाणु हैं वो क्रियाशील नहीं रहते हैं, तो हमारे भोजन के या दूध के खराब होने का जो डर है वो नहीं रहता है। तो यहाँ पर गर्मी में दूध या अन्य भोज्य पदार्थ जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो इसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर, तापमान पर यदि गर्म किया जाएगा तो उसके जो जीवाणु हैं वो मर जाते हैं। इस कारण से ही हम दूध को बहुत बार उबालते हैं जिससे वो खराब नहीं होता है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि हम फ्रिज में बहुत दिनों तक फल और सब्जियों को ताज़ा रख सकते हैं, तो इसका कारण भी यही है क्योंकि फ्रिज बहुत ठंडा होता है, फ्रिज में बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो बहुत कम टेम्परेचर पर भी जो सूक्ष्म जीव हैं वे मर जाते हैं, जो इसे ख़राब करने वाले जीव होते हैं ना फल और सब्जियों को, तो वे मर जाते हैं। तो इस कारण से बहुत सारे सब्जी और फल बहुत दिनों तक फ्रिज में हम सुरक्षित रख सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर जीवाणु मर जाते हैं। आइए इस पाठ में हमने क्या क्या जाना ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जाना कि अवस्था परिवर्तन एक निश्चित तापमान पर ही होता है, जैसे हमने सीखा गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, ठोस, द्रव और गैस सभी ऊष्मा लेकर प्रसारित होते हैं, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और आज हमने गैस में प्रसार को विस्तार से पढ़ा। तो हमने ये सीखा कि ठोस, द्रव और गैस सभी ऊष्मा लेकर प्रसारित होते हैं। अगला बिंदु है गलनांक, वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ अपने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। क्वथनांक, वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे हमने देखा कि जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसी भी पदार्थ का वाष्पन, वाष्पन यानी द्रव से गैस में परिवर्तन, जिस तापमान पर होता है उसी तापमान पर उसका संघनन भी होता है, अर्थात गैस से द्रव में परिवर्तन भी होता है। और कुछ रासायनिक परिवर्तन में भी हमने देखा कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है और कुछ रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे हमने देखा चूने में जब पानी डाला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। बच्चों, आज के पाठ से संबंधित कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं। बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग के साथ, बहुत सुंदर अपने लेखन शैली के साथ इस प्रश्न को लिखेंगे और प्रश्न के उत्तर आपको बुक के अंदर ही सभी मिलेंगे और साथ ही साथ जो आज आपको पढ़ाया गया है इसमें भी बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न एक, थर्मामीटर में पारा ऊष्मा पाकर ऊपर चढ़ने लगता है क्यों? दूसरा प्रश्न है कि पसीना आने पर हवा लगने से ठंडक महसूस होती है क्यों? तीसरा प्रश्न, दैनिक जीवन में जल के प्रसार से संबंधित दो उपयोग लिखिए।
चौथा प्रश्न है कि वस्तु की ताप वृद्धि के लिए उसे दी गई ऊष्मा किन किन बातों पर निर्भर करती है। और प्रश्न पाँच है, क्वथनांक से आप क्या समझते हैं। इसके साथ ही साथ आप गलनांक भी याद कर लीजिए कि गलनांक किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं। ये कुछ प्रश्न जो इसमें नहीं है लेकिन आज की पाठ में आपको पढ़ाया गया है, इसको भी आप कॉपी में लिखकर याद करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। विषय जो विज्ञान है इसको आप समझ कर पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको ज़्यादा आपकी समझ बनेगी, और समझ के पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें आप अभी पढ़ेंगे वो आपको जीवन भर याद रहेंगी बच्चों। तो आप इस चैप्टर को बहुत मन लगा कर पढ़ेंगे ऐसी मुझे पूरी आशा है। और ऊष्मा तथा ताप से संबंधित जो नेक्स्ट पार्ट है उसको लेकर हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।